हेलो फ्रेंड्स, अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं या आईटीआई कर रहे हैं तो आपको पता होनी चाहिए कि आईटीआई में एनसीवीटी और एससीवीटी क्या होता है। अगर आप इसे अभी नहीं समझते हैं तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन होगा, दबाकर बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि आईटीआई से रिलेटेड हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए जानते हैं आईटीआई में एनसीवीटी और एससीवीटी क्या होता है। एनसीवीटी, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में किया गया था। यह मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर के अंदर आती है। एनसीवीटी से आईटीआई करने पर आपको नेशनल लेवल, या फिर कह सकते हैं हम सेंट्रल लेवल पर, आपको सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। एनसीवीटी में एग्जाम सेमेस्टर वाइज कराया जाता है और यह पूरे देश के लिए एक ही होता है। अब हम बात करते हैं एससीवीटी, स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। एससीवीटी एक तरह से एनसीवीटी का ही हिस्सा माना जाता है। यह राज्य स्तर का होता है। एससीवीटी से आईटीआई करने पर आपको राज्य लेवल का सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। एससीवीटी में एग्जाम सेमेस्टर वाइज नहीं कराया जाता है, यह वर्ष के हिसाब से चलता है। यह हर राज्य का अलग अलग होता है। अब हम बात करते हैं आईटीआई किससे करना अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, मेरा मानो तो आप एनसीवीटी से आईटीआई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अप्रेंटिस एवं जॉब के समय एनसीवीटी की मांगें सबसे अधिक होती है और इसमें वैकेंसी जो है सबसे ज़्यादा निकलती है। हमने आपको सभी जगह से जानकारी एकत्र कर आपको उनका निचोड़ देने की कोशिश की है, जिससे कि आपको उन सभी बातों को समझने में आसानी हो सके। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताएँ, हम पूरी कोशिश करेंगे उसे समझने और समझाने की। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।